क्या बेटे को सांसद बनवा फंसे वीरेंद्र सिंह? क्या सांप के मुंह में फंस गया है छछुंदर? क्या बीजेपी में ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं वीरेंद्र सिंह? मुख्यमंत्री के दावेदार से हाशिए पर कैसे पहुंचे वीरेंद्र सिंह? दोहरे पर खड़े हुए हैं वीरेंद्र सिंह। भाजपा में पूरी अहमियत नहीं मिलने के कारण घुटन में जी रहे हैं वीरेंद्र सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का मन भाजपा से लगभग भर चुका है और मजबूरी में भी घुटन की जिंदगी जी रहे हैं। भाजपा द्वारा सियासी तौर पर अनदेखा किए जाने के कारण वीरेंद्र सिंह बहुत आहत हैं और इसी कारण और कुछ नया करना चाह रहे हैं। भाजपा द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से छुट्टी कर दिए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह दोहरे पर आकर खड़े हो गए हैं। ऐसे में अगले कदम के बारे में फैसला लेने से पहले उन्होंने 1 जनवरी को अपने वर्कर साथियों की उचाना में बैठक बुलाई है। घुटन किस बात की? वीरेंद्र सिंह को भाजपा दे नहीं रही कोई अहमियत। वीरेंद्र सिंह को भाजपा ने हाशिए पर डाला। जाट राजनीति में भाजपा ने वीरेंद्र सिंह को खुड्डे लाइन किया। भाजपा वीरेंद्र सिंह को किसी मामले में नहीं पूछ रही। बेटे के सियासी कैरियर के कारण वीरेंद्र सिंह चुप रहने को मजबूर। पंजाब चुनाव के बाद ले सकते हैं बड़ा फैसला। हकीकत यह है कि वीरेंद्र सिंह को भाजपा ने इसलिए लिया था कि वह उनके बलबूते पर हरियाणा के जाट वोटरों को साधना चाहती थी, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव से यह साबित हो गया है कि हरियाणा के जाट वोटरों पर वीरेंद्र सिंह की कोई पकड़ नहीं है। इसलिए भाजपा ने वीरेंद्र सिंह को सियासी तौर पर अपने लिए बोझ मान लिया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनकी छुट्टी कर दी गई। वीरेंद्र सिंह सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह के कारण भाजपा में बने रहने को मजबूर हैं, लेकिन उनका मन भाजपा से पूरी तरह भर चुका है। वह दूसरे विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं। अगले सियासी फैसले से पहले वे वर्करों से 1 जनवरी को बैठक में चर्चा करने जा रहे हैं। फरवरी में होने वाले पंजाब चुनाव तक वे सियासी हालात बदलने का इंतजार कर रहे हैं। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई तो वीरेंद्र सिंह परिवार के साथ एक और नई सियासी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वीरेंद्र सिंह आम आदमी पार्टी में फिट होने वाले हैं? क्या वीरेंद्र सिंह सच में भाजपा के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहें K9 मीडिया।